Hi guys, in this session we want to discuss about the PHP. Friends, इस session में हमें PHP के बारे में discuss करना है. So guys, सबसे पहला question ये आता है, what is the PHP? PHP क्या है? What is the PHP? कैसे PHP is a open source server side scripting language. What is the PHP? PHP क्या है? PHP एक open source server side scripting language है. Okay. So फिर किसी ने अगर आपसे पूछा कि what is the server side programming or scripting? And why use the PHP? ये दो बहुत ही important question है friends. सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि server side क्या है, और उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि PHP use क्यों करते हैं. जब तक हमें ये दो questions का answer नहीं मिलेगा, तब तक हमें PHP सीखने का purpose ही समझ में नहीं आएगा. Okay, so let's guides. Now we want to start or solve the first question. What is the server-side programming or scripting language? ऐसे कहते हैं कि those languages cannot execute its application without server or as a server-side programming language. देखिए guys, जो languages अपना program server के बगैर execute नहीं कर सकते, हम उसे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं या सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. फिर गाइस, यहां पे बहुत और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. आपको पहले यह तो पता होना चाहिए व्हाट इज द सर्वर. भाई सर्वर क्या है? जब तक सर्वर का डेफिनेशन ही समझ में नहीं आएगा, तब तक ये तो समझ में नहीं आएगा कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग क्या होता है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए सर्वर? ऐसे कहते हैं फ्रेंड्स, server is a software or a application program. It has ability to manage the application at a central location and provide the access remote browser or a machine. Okay, server basically क्या होता है? एक software होता है, या उसे application program भी कहते हैं. मतलब कोई भी software develop करने के लिए आपको एक application program लिखना ही पड़ता है. इसीलिए हमने क्या कहा, server is a software. Server एक simple एक software होता है. मतलब normally guys क्या होता है कि जब हम fresher होते हैं, तब हम जब सर्वर की बात आती है तो हमें लगता है सर्वर बहुत बड़ा मशीन या बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है. ऐसा नहीं होता गाइस. सर्वर एक सॉफ्टवेयर होता है. वो सर्वर सॉफ्टवेयर जिस कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, वो कंप्यूटर एज अ सर्वर काम करता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखिए, पहले मैं आपको सर्वर का डेफिनेशन ही क्लियर कर देता हूं. सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम. इट हैज एबिलिटी टू मैनेज द एप्लीकेशन at a central location and provide access to the remote browser or a machine, right? Yes or not? मतलब देखिए कैसे example बताता हूँ guys. अभी हम paint में clear करते हैं. Okay, मैं आपको example बताता हूँ. अगर आप PHP का program run करना चाहते हैं, for a PHP program, अगर आप PHP का program run करना चाहते हैं, तो आपको जैम्प नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है. जैम्प या वैम्प सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ता है. ऐसा नॉट, लेकिन गाइस नॉर्मली लोग कहते हैं जैम्प या वैम्प एक सर्वर है. क्लियर और नॉट? जैम्प या वैम्प क्या है? एक सर्वर है. अगर जैम्प या वैम्प अगर सर्वर है और उसका इंस्टॉलेशन होता है, और उसका क्या होता है? इंस्टॉलेशन होता है. नॉर्मली हम इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर का भी करते हैं. इंस्टॉलेशन किसका होता है? सॉफ्टवेयर का भी होता है. अगर जैम का इंस्टॉलेशन होता है और जैम अगर सर्वर है
और अगर हम सॉफ्टवेयर का भी इंस्टॉलेशन करते हैं, इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि झैम्प एक सॉफ्टवेयर ही है, मतलब सर्वर एक सॉफ्टवेयर ही होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखिए हम एक डायग्राम निकालते हैं तो उसमें से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूं। मतलब फ्रेंड्स मानते ये हमारा नेटवर्क है, ये जो सर्कल है मेरा, ये सर्कल मेरा नेटवर्क है। ओके, मेरे इस नेटवर्क के अंदर बहुत सारे ऐसे मशीन्स हैं। ये पूरे मेरे कंप्यूटर है, मैंने इस कंप्यूटर के अंदर राइट झैम्प इंस्टॉल किया। मतलब मैं आपको समझाता हूँ गाइस, देखिए ये मेरा कंप्यूटर है, दिस ये मेरा कंप्यूटर है। ओके, लेकिन मैंने मेरे इस कंप्यूटर के अंदर सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। मतलब मान लीजिए मैंने मेरे इस कंप्यूटर के अंदर झैम्प का इंस्टॉलेशन किया, मतलब ये कंप्यूटर नहीं रहा तो ये कंप्यूटर सर्वर हो गया। Why? क्योंकि इसके अंदर सर्वर सॉफ्टवेयर आ गया। गेटिंग माय पॉइंट? अगर फिर मैं PHP का प्रोग्राम है तो मैं PHP का प्रोग्राम इस सर्वर के अंदर रखता हूं, तो इसके अंदर जो भी है, देखिए ये मेरा जो है ये मेरा मशीन है, ये जो बड़ा सर्कल है हम इसे सर्वर मानते हैं, ये जो बड़ा सर्कल है हम इसे क्या मानते हैं, सर्वर मानते हैं। और इस सर्कल के अंदर हमने जो रखा है ये हमारा PHP का प्रोग्राम है। ओके, मतलब PHP का प्रोग्राम आप जो सेव करेंगे तो झैम्प के अंदर सेव करेंगे। आई अंडरस्टैंड और नॉट क्लियर? तो ये जो प्रोग्राम है, फिर फायदा किया हुआ ये प्रोग्राम ये सभी मशीन्स एक्सेस कर सकते हैं, राइट? ये जो प्रोग्राम है ये सभी मशीन्स क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आर गेटिंग माय पॉइंट? ये जो PHP का प्रोग्राम ये सभी मशीन्स क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये प्रोग्राम इनके ऊपर रहना चाहिए, ऐसे कंपलसरी नहीं होता। इसीलिए तो हमने क्या कहा, व्हाट इज अ सर्वर? सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम। इट हैज एबिलिटी टू मैनेज द एप्लीकेशन एट अ सेंट्रल लोकेशन, प्रोवाइड एक्सेस टू द रिमोट ब्राउजर और ए मशीन्स, कॉल्ड एज अ सर्वर। फिर अगर आप चाहते हैं कि PHP का प्रोग्राम रन करे तो कंपलसरी आपको झैम्प या वैम्प नाम का सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अरे क्लियर? उसके बगैर आप PHP का प्रोग्राम रन नहीं कर सकते, इसीलिए हम PHP को सर्वर साइड प्रोग्रामिंग मानते हैं। Understand or not? Yes. So guys, we have another question. Why use the PHP? Basically, PHP का use क्या है? ऐसे कहते हैं, PHP is used for create the dynamic web pages. PHP is used for to create the dynamic web pages or a dynamic websites. और एप्लीकेशन, राइट? फिर गाइस सवाल आता है, व्हाट इज द डायनामिक वेब एप्लीकेशंस? फिर डायनामिक वेब एप्लीकेशन क्या है? बोथ्स पेजेस और वेबसाइट्स कनेक्टेड टू द डेटाबेस, कॉल्ड एज अ डायनामिक वेबसाइट। जो वेबसाइट या जो वेब पेजेस डाटाबेस के साथ कनेक्टेड होते हैं हम उसे डायनामिक वेबसाइट कहते हैं। एंड फॉर जनरेटिंग डायनामिक वेबसाइट्स और डायनामिक वेब पेजेस वी यूज द PHP। और डायनामिक वेबसाइट वेब पेजेस जनरेट करने के लिए ही फ्रेंड्स हम PHP का यूज करते हैं। आर यू अंडरस्टैंड ऑर नॉट? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए PHP? इसीलिए मैं एक बार पूरा रिवाइज करता हूं गाइस। PHP इज ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सो गाइस वी हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज द सर्वर साइड और व्हाट इज द स्क्रिप्टिंग, व्हाट इज द सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? दोज लैंग्वेजेस कैन नॉट एग्जीक्यूट इट्स एप्लीकेशन विदाउट सर्वर, कॉल्ड एज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, फिर गाइस हमने डिस्कस किया है कि सर्वर क्या है, PHP का यूज क्यों करते हैं। ओके, अगर गाइस अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल for more videos.